गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, जिसमें अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है सॉल्युबिलिटी। अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि टायरोसिन है। टायरोसिन इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट, हर एक के साथ एक्सेप्शंस होती है, बट नॉर्मली क्या है वो सॉल्युबिलिटी है कि अमाइनो एसिड सॉल्युबल होते हैं पानी में, स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज ऑलवेज अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता होगा कि डेक्स्ट्रो या लीवो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। आपने पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो ये अमाइनो एसिड्स होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, ये फिर इसके ऊपर ओवरलैप करती हैं। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी में आता है कि सारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? जैसे ये ग्लाइसिन मैंने बनाया है, क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। एन
सैंपल बेसिक। तो दिस इज ए इज अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स है, ये हमने सेम बनाना है। अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है? बिकॉज इधर हम यूजुअली एच ऐड करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो एच के साथ है, पर इसमें मैंने एनए रिप्लेस किया दैट इज सोडियम के साथ। फिर इसमें अगर हम एल्काइल हैलाइड डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? आर सी एच सी ओ ओ एन एच एल आर, इस एच टू को ये वाला आर डैश रिप्लेस कर देगा। इसको आर वन में लिख लो आर वन, बिकॉज ये ऑलरेडी आर है तो उसको अलग नाम देना पड़ेगा इसलिए आर वन। इसके अलावा हमारे पास बनेंगे सोडियम के साथ कुछ भी लग जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर एनवायरमेंट। सो ये इसका रिएक्शन है एल्काइल रिएक्शन, क्यों इसको एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कौन सी होती है? एन एच एच एन ओ टू, ये टू लगा है इसके ऊपर। नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। सो अमाइनो एसिड का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्सी एसिड। ये एन एच टू ग्रुप रिप्लेस हो जाता है ओ एच से। हमारे पास नाइट्रोजन जनरेट होता है, ये जो नाइट्रोजन होता है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं हमारे पास कितना कितनी नाइट्रोजन गैस जनरेट हुई है एंड वॉटर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्किफ बेस। स्किफ बेस हमने इसमें बनाना है, किससे बनाएंगे हम इसमें? एल्डिहाइड ऐड करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ऐड कर देंगे आर वन सी एच टू। इससे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस रिएक्शन होता रहता है, वाटर जनरेट होता रहता है, इधर से वाटर माइनस होता रहता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? स्किफ बेस, दैट इज आर सी एच सी ओ एच सेम रहेगा। एन एच टू हम एल एच टू ग्रुप के रिएक्शन से कर रहे हैं, तो एल एच टू ग्रुप पे आ जाएगा एल और ये लग जाएगा डबल बॉन्ड सी एच आर वन। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद सैंगर्स रिएजेंट, ये सी डैश विद सैंगर्स रिएजेंट में हमने फिर से अमाइनो एसिड दिया। सैंगर्स रिएजेंट का होता क्या है? क्या होता है? वन फ्लोरो टू फोर डाई नाइट्रोबेंजीन, ये वाला जो ग्रुप है इसको सैंगर्स रिएजेंट कहते हैं। अब हमने इसके साथ रिएक्ट कर पाया तो ये जो NH2 है ये NH रह जाएगा, NH रह गया, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया एंड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड भाग गया। इसको हम क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोफिनाइल अमाइनो एसिड, दैट इज DNP अमाइनो एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट इसको एडमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अमाइनो एसिड है इसी ग्रुप पर रिएक्शन करना है, ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा। सी दिस इज दैट ग्रुप आर एच एन एच, ये वाला एन एच, एन एच के साथ हमारे पास क्या लग गया? ये ऊपर वाला सी डबल बॉन्ड एस एन एच और इधर ये बेंजीन रिंग जो है वो अलग हो गई। सो दिस इज विद दिस इज द एडमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट फाइनल रिएक्शन ऑफ दिस NH2 ग्रुप इज विद हाइड्रो आयोनिक एसिड, ये हमने हाइड्रो आयोनिक एसिड डाली, इसमें हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है, इसको इस अमाइनो एसिड को हमने हीट करना है। फिर ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? फैटी एसिड में, दैट इज RCH2COH, ये NH2 ग्रुप निकल जाता है और वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शंस विद NH2 ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। अब लास्ट इस चैप्टर में हमारे पास रह गया है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।